हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उस शख्स से जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा मुकाम बनाया है हम बात कर रहे हैं मान सरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईओ मिस्टर गौरव तिवारी जी का मिस्टर तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सो मच थैंक यू मिस्टर तिवारी सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि मान सरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या करता है uh, primarily... एजुकेशन और उसके अलावा हेल्थ केयर भी बिकॉज इट कोज हैंड एंड विद इट तो मानसरो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम स्कूल से लेकर और रिसर्च तक सब कुछ करते हैं आ, हमारा एक सी बी एस ई एफिलेटेड स्कूल है मानसरोवा पब्लिक स्कूल अच्छा और हायर एजुकेशन में वी आर प्राइमरली इंटू डेंटल आयुर्वेदा नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल उसके अलावा मानसरो ग्लोबल विश्वविद्यालय भी है विच इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये हमारी प्राथमिकता है क्या बात है मैं जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आ, किसने इसकी शुरुआत की और आप इसे अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं इस पूरे सफर के बारे में मुझे बताइए शुरुआत 1995 में हुई तब मेरे पिताजी ने एक आ, समाज कल्याण के लिए समिति बनाई जिसको श्री साई ग्रामोत्थान समिति कहते हैं और आ, उसके माध्यम से उनका मन था कि वो समाज की कुछ ऐसे आ, इश्यूज़ को टारगेट करें जो कि उस समय प्रिवेलिंग थे उस दौरान तो तब उन्होंने 1999 में भोपाल के आउटस्कर्ट्स में अब तो खैर वो भोपाल का हिस्सा बन गया एक स्कूल की स्थापना करी मानसरोवर पब्लिक स्कूल की बड़ा छोटा सा एक स्कूल था जिसमें करीब उस दौरान साठ बच्चे होते थे अच्छा। आठ नौ टीचर्स होते थे जी। और उसके बाद फिर वो कारवा बढ़ता गया क्योंकि फिर समझ आया कि स्कूल है तो शिक्षकों की भी जरूरत है तो शिक्षकों की ज़रूरत है तो आपको एक एक स्कूल आ, जो टीचर्स हैं उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोला जिसमें बी एड एम टाइप के कोर्सेज थे फिर एक अस्पताल खोला जो उस जगह की काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट थी अस्पताल खोला तो डॉक्टर्स तो मिल जाते थे पर पैरामेडिक्स और नर्सेज़ नहीं मिलते थे राइट right. तो साथ में एक पैरामेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूशन भी खोला तो ध्येय ये नहीं था कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप बनाना है या कुछ बहुत बड़ा काम करना है प्रयास ये था कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें हम समाज को क्या दे सकते हैं और क्या बेस्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि जब हम कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं तो उन्होंने साथ दिया और जैसा जैसे हम आगे बढ़ते गए नए इंस्टीट्यूशंस खोलते गए नए सर्विसेज हम स्टूडेंट्स को और दूसरे लोगों को दे पा रहे थे तो इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा और फिर आ, इसको इसको आज इस स्थिति में पहुँचा दिया है कि आज पंद्रह हज़ार से ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं क्या बात बारह सौ तेरह सौ टीचर्स और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज इस पूरे समूह को चलाते हैं और आ, अब अब प्रयास है कि हम और भी आ, आगे बढ़कर और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ बहुत अच्छा कर सकें आपने शुरुआत एक स्कूल से की तो जरूर आपको इस सफर में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा क्या आप उसके बारे में हमसे कुछ कहेंगे जब स्कूल uh, से शुरुआत हुई थी तब मतलब uh, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि दैट इज़ व्हेन माय फादर एंड माय मदर दे स्टार्टेड इट 1999 में मैं नौ साल का था तो ऑब्वियसली मैं तो वाज पार्ट ऑफ द फैमिली बट नॉट पार्ट ऑफ दिस होल मिशन तो जब ये uh, विद्यालय चालू हुआ तब वो पिताजी और माता ने चालू किया था और संघर्ष हर तरह का था मुझे याद है कि 2007 में जब पहली बार डेंटल कॉलेज खोला था और हॉस्टल्स को बनाने में थोड़ा सा समय लग गया था और एक आध या दो दिन बाद स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स को ऑक्यूपाई करने के लिए आना था और रात के समय सारा हाउस कीपिंग स्टाफ चला गया तो आ, मुझे ये मुझे बड़े अच्छे से याद है कि वो पापा मेरे जो है वो पानी का फॉसेट लेके और पूरे में पानी डाल रहे थे और मेरी माँ उसको माफ कर रही थी क्या बात है तो वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी हैं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है और उस दौरान शायद वो संघर्ष डिफ़िकल्ट लगता है पर जब आगे ईश्वर कुछ अच्छा कर देते हैं तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो शायद वही संघर्ष खूबसूरत दिखने लगता है uh, मैंने uh, ये भी जाना है कि आप काफ़ी सोशल सर्विसेज में भी इन्वॉल्व रहे हैं स्पेशली कोविड की महामारी के दौरान आपके इंस्टीट्यूशन ने बहुत योगदान दिया था मैं चाहती हूँ कि आप हमें उसके बारे में बताएं कोविड की महामारी के दौरान वी ऑलरेडी हैड टू आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन तो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट होता है रसशाला जो आयुर्वेदिक फार्मेसी होती है वहाँ पर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं तो जब कोविड की पहली वेव आई तब आयुष मंत्रालय ने एक काड़े का फॉर्मूला दिया जो कि इम्यून सिस्टम को बेटर करता था और उससे आपको कोविड की जो असर है वो कम हो जाता था ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो किसी भी बीमारी का असर कम होगा तो हमने ये डिसाइड किया कि कुछ तो करना है तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स बच गए थे हॉस्टल्स में जो किसी वजह से अपने घर के लिए नहीं निकल पाए थे समय पे और लॉकडाउन लग गया था और जो टीचर्स लोकली अवेलेबल थे और जिनमें इतना जज्बा था कि वो आ सकें कॉलेज उनको वॉल्ट्रिली हमने रिक्वेस्ट किया वो लोग आए और हमने उस दौरान तीन महीने में करीब डेढ़ लाख काड़े बनाए और आ। एक एन है सेवा भारती उसके साथ मिलकर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया क्या बात है तो बहुत ही सच में काबिल तारीफ़ है जो आप लोगों ने योगदान दिया आपके इंस्टीट्यूशन ने योगदान दिया आ, अब आपका क्या विजन है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए वी रिसेंटली स्टार्टेड विद यूनिवर्सिटी 2018 में और जब आप एक विश्वविद्यालय चालू करते हैं वो एक कॉलेज को चालू करने से बहुत ज़्यादा अलग होता है क्योंकि वहाँ पर uh, जो स्केलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो एक महाविद्यालय में अगर आप एक एक कॉलेज चालू कर रहे हैं डेंटल का तो उसमें आप डेंटल के कोर्सेज ला सकते हैं जबकि एक विश्वविद्यालय में आप एन नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ला सकते हैं फॉर इंस्टेंस अभी हम करीब करीब दस फैकल्टीज़ के अंदर मोर देन थर्टी कोर्सेज चला रहे हैं ओके okay. तो पहला प्रयास तो यही है कि हम इसको और बढ़ाएं क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे हमने अपना ये यूनिवर्सिटी को सेटअप किया है वो करीब 150 एकड़ का बड़ा लैंड है तो वहाँ पे हमारा स्कोप बहुत ज़्यादा है चीज़ों को बढ़ाने का दिस अ लॉट ऑफ स्पेस तो हमारा प्रयास है कि हम उसको बढ़ाएं और दूसरा हमारा प्रयास है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ अच्छा काम कर सकें तो भोपाल में और सीहोर में भोपाल में हंड्रेड बेड्स का और सीहोर में थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी बेड्स का हम एक हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका काम चल रहा है भोपाल का हॉस्पिटल फेबररी में चालू हो जाएगा सीहोर वाला हॉस्पिटल वी हैव टारगेटेड फॉर अगस्त और सेप्टेम्बर मेरी यही उम्मीद प्रार्थना और कामना है कि आपका जो मिशन है जो विजन है अपने इंस्टीट्यूशन्स के लिए जो आपके माता जी और पिताजी ने शुरू किया था वो कामयाब हो और आपका सपना इससे भी बड़ा हो और आप उसे पूरा कर पाएँ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए हमारा ये जो मंच है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी शॉक शो हौसलों की उड़ान में हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और okay. आपके इस योगदान को सराहना चाहते हैं थैंक यू सो मच सो काइंड ऑफ यू